मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक नए सवेरे के लिए, एक नए साल के लिए जो परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया कि हम 2022 को देख सकें। आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए हम भजन संहिता 100 उसका 1-5 तक हम पढ़ें। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। आज सवेरे के समय हम जब उठे हैं, एक नया साल 2022 जनवरी 1 तारीख, हम प्रभु पर भरोसा करते हुए हमने ये नए साल में प्रवेश किया। आइए परमेश्वर को उसके विश्वास योग्यता और उसकी करुणा के लिए हम दिल की गहराई से धन्यवाद दें। जब हम मुड़कर देखते हैं, हम देख सकते हैं किस प्रकार हमारे प्यारे प्रभु ने हमें पिछला वर्ष चलाया। कई अवसर आए जब हमें मालूम नहीं था आगे हम कैसे चल पाएंगे। कई बार हम थक गए, हमने दिल छोड़ दिया, हमारे आसपास अंधकार छा गया था। कई बार हम कमजोर हुए और दुश्मन को सामना करने के लिए हमें बल नहीं रहा, लेकिन हमारा प्यारा प्रभु हमें हर परिस्थिति से अपने विश्वास योग्यता के कारण हमें चलाया। इधर भजन संहिता लिखने वाला कहता है कि हे पृथ्वी के सारे लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसकी उपस्थिति में आने को वो कहता है। पुराने नियम के संत लोग कभी भी परम पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी महिमा को देखते हुए आराधना नहीं कर पाते थे, क्योंकि अति पवित्र स्थान में वो प्रवेश नहीं कर सकते थे। वो केवल परमेश्वर को अपने बलियों के द्वारा ही आराधना करते थे। और एक विनम्र हृदय के साथ भजन संहिता लिखने वाला लोगों को याद दिलाता है कि प्रभु यहोवा ने हमें सिरजा है, और ये ना सोचें कि हम खुद के चल सकते हैं, हमारा अस्तित्व खुद का है। हमारे प्रभु ने हमें सिरजा है, इसलिए आइए हम अपने प्रभु के सहारे हम अपना जीवन बिताएं। हमारा प्रभु हमारी चिंता करता है और हमारे अस्तित्व का कारण भी हमारा प्रभु है। सो हर एक व्यक्ति उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति के साथ प्रवेश करें, स्तुति करते हुए प्रवेश करें, उसका धन्यवाद करें और उसके नाम को धन्य कहें। कोई भी उसके आंगनों से बुड़बुड़ाते हुए निराशा के साथ प्रवेश ना करें, लेकिन धन्यवाद के हृदय के साथ प्रभु के पवित्र नाम को आशीषित करते हुए प्रवेश करें। और अगला भजन संहिता लिखने वाला उस स्तुति और आराधना के पीछे का कारण भी बताता है। इसलिए नहीं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में अच्छे काम किए, परंतु हमारा प्रभु अच्छा होने के कारण, उसकी करुणा सदा की है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमें प्रभु की आराधना करने का मौका मिल गया है। मेरा यह सोच है कि यह भजन संहिता हम नए नियम के संतों के लिए कितना सच है, जिन्होंने परमेश्वर की भलाइयों को अनुभव किया, उसकी करुणा, उसके अनुग्रह को। पुराने नियम का संत
ऐसे कभी भी सोच भी नहीं सकता था जो अनुभव प्रभु ने हमें दिया है। हम सबके पास आनंद के साथ प्रभु की सेवा करने के कारण है। हमने प्रभु के उस उद्धार की मधुरता को हमने चखा है। हमने मसीह यीशु के द्वारा स्वर्गीय आत्मिक आशीषों को अनुभव किया है। दुश्मन को सामना करने के लिए प्रभु ने हमें दिलेरी भी दिया है, क्योंकि परमेश्वर के संतान मसीह यीशु के द्वारा बनने के कारण वो अधिकार स्वर्ग ने हमें सौंपा है। हमें कोई मंदिर में परमेश्वर को ढूंढ कर जाने की जरूरत नहीं, लेकिन हम स्तुति और धन्यवाद की बलिदान कहीं भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह के कारण जीवते परमेश्वर के हम मंदिर बन गए हैं। हम पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति को एहसास करते हैं हर क्षण। हमारे जीवन में प्रभु को धन्यवाद देने के लिए कितने कारण हैं। सो आइए ये नए साल में धन्यवाद के दिल के साथ, प्रभु अच्छा है, प्रभु भला है, इस सोच के साथ हम प्रवेश करें। भजन संहिता लिखने वाले को अगर यह आश्वासन है कि परमेश्वर ने उसे सिरजा है और वो परमेश्वर का है और परमेश्वर उसका देखभाल करेगा क्योंकि वो उसकी चराइयों के भेड़ हैं, तो हम जो उद्धार पाए संतान, हमें कितने दिलेरी के साथ, कितने आश्वासन के साथ हमें नए साल में प्रवेश करना है। बेशक ये नए साल में हमारे सामने चुनौतियां हो, हम चिंता ना करें, हमें आगे का रास्ता नहीं मालूम है, वरन इस तसल्ली के साथ प्रवेश करें कि प्रभु की नजर हमारे ऊपर है, वो हमारा अच्छा चरवाहा है, वो हम उसकी नजर हमारे ऊपर है, हमारा प्रभु अच्छा है और हमारा प्रभु हमारे जीवन में जो कुछ करेगा वो हमारी भलाई के लिए है। हमारा प्रभु हमारे जीवन में कोई हानि नहीं पहुंचाएगा और हमारे जीवन में नए साल में जो कुछ होगा वो सब प्रभु के नाम के महिमा के लिए है। हम प्रभु के हैं, सो दुश्मन भी हमें छू नहीं सकता है परमेश्वर की अनुमति के बिना। जब ये संसार बड़ी आशंकाओं के साथ नए साल में प्रवेश किया है, हम इस आश्वासन के साथ प्रवेश करें कि मेरा पिता मेरे साथ है और जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी जो मैं और मेरा पिता हल नहीं कर सकते। पिछले साल हमने कई बार प्रभु के विश्वास योग्यता पर सवाल उठाए हमारे विचारों और अपने कर्मों के द्वारा, लेकिन आज के दिन हम पूरे विनम्रता के साथ प्रभु के सामने अपने आप को समर्पण करें, प्रभु में बलवंत हो, ताकि हम प्रभु को प्रसन्नदायक एक जीवन बिता सकें। प्रभु की सेवा आनंद और जय जयकार के साथ हर परिस्थिति में करने के लिए परमेश्वर हम सबको मदद करे, ताकि हमारे आखिरी श्वास तक हम विश्वास योग्य ठहर सकें। प्रभु हम सबको इस नए साल में प्रभु की महिमा के लिए जीने के लिए मदद करें। आप सबको नए साल के शुभकामनाओं के साथ आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका नाम का धन्यवाद देते हैं, प्रभु आपकी स्तुति करते हैं। पिछले एक साल भर आपने चलाया, बड़ी आशा थी 2021 में आप आएंगे, लेकिन प्रभु 2022 आपने हमें दिया, आप हमारे साथ हैं। धन्यवाद के साथ, स्तुति के साथ, आराधना के साथ हम नए साल में प्रवेश करते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। जो कुछ होगा सब आपके नाम के महिमा के लिए और आपकी अनुमति के बिना कुछ नहीं होगा। प्रभु उस दिलेरी में आगे बढ़ने के लिए हमें मदद कर, ये साल आपके महिमा के लिए जीने के लिए हमें सहायता कर, जो भी हमें देखे आपकी महिमा कर सके। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है, मारा ना था।